ये गेटवे ऑफ इंडिया है और सामने ताजमहल होटल है। ये शाम का नज़ारा था, लेकिन इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये है मांडवा, मांडवा जेट्टी। और आज हम आपके सामने हमारा बर्थडे कैसे मनाया, अलीबाग के बीच पे जाके ये हम अंधेरी से निकले थे और ट्रेन से चर्चगेट तक पहुँचे। और चर्चगेट आते आते तो दोस्तों, ये मेरा ड्रीम जर्नी व्लॉग्स है। गुड मॉर्निंग एंड हैव अ नाइस टाइम विथ अस होल डे विथ अ ट्रेन जर्नी एज वेल एज टैक्सी जर्नी एंड रीचिंग टू मांडवा बाय फेरी। तो ड्रीम जर्नी व्लॉग्स आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और ज़रूर आपका कमेंट हमें दीजिए, तो हम मोटिवेट होते रहेंगे। तो फिलहाल हम चर्चगेट स्टेशन पे, हम पूरा हमारा फैमिली के साथ स्टेशन पे है। तो स्टेशन की ये संडे मॉर्निंग जो बिल्कुल खाली है और हमें पूरा खाली मिलने के टाइम से हमको शूट करने में भी कोई दिक्कत नहीं आई। और देखिए, हम बच्चों को समझाते जा रहे हैं कि ये स्टेशन, क्योंकि बच्चों को भी आना स्टेशन पे होता नहीं है आजकल। और मुंबई का स्टेशन ये हेरिटेज टाइप का स्ट्रक्चर है पूरा, एक टिपिकल देखे जावे। अभी तो काफ़ी वो लोग ने चेंजेस किया है, अदरवाइज़ इधर उसका छत देखे तो उसका एक हेरिटेज तरीका ही है। क्योंकि मुंबई शहर में जब ये ट्रेन चालू हुई थी तभी इसके नज़ारे में आपको और कोई ब्लॉग में दिखाऊँगा, मेरे पास इसके डिटेल्स भी है। तो हम अभी गेटवे ऑफ इंडिया से हम जाने वाले हैं जब अलीबाग बीच और मांडवा जेट्टी बोलते हैं। तो हम टैक्सी में है, टैक्सी चार्जेस अराउंड पर पर्सन 10 rupees टिल गेटवे ऑफ इंडिया। तो हमने आज नो कार्स ऐसा करके सोच के हम निकले कि हम रिलैक्स रहे, पार्किंग का भी टेंशन नहीं और बस पब्लिक सर्विसेज यूज़ करें तो एन्जॉयमेंट भी होगा और फ्री भी रहेंगे। तो बीच में आपको इरोज भी दिखाई देगा, बाद में रीगल सिनेमा होते हुए हम अभी चर्चगेट की शेरियों में है। तो ये कोलावा कॉजवे माना जाता है और बस हम अब पहुंचेंगे ही एकदम बिल्कुल जन्नाटेदार और ज़बरदस्त सड़क जहाँ पे लोकेट है, दूर से आपको दिखती होगी ताजमहल, ताजमहल होटल। यस, देखिए उसका टॉप फ्लोर इधर से दिखाई दे रहा है और अभी बस आते ही है उसके बेस पे और रिसेप्शन तक तो हम को जाना नहीं है क्योंकि अपने को तो गेटवे ऑफ इंडिया जाना है। तो उधर का टैक्सी पार्किंग स्टैंड के उधर हम ड्रॉप हो जाएंगे और बस ये आ गया। देखिए बिल्कुल ताजमहल का फ्रंटेज दिख रहा है, वन ऑफ द लग्जरियस होटल इन मुंबई। बाकी काफ़ी सारे हैं लेकिन जो बीच के ऊपर है गेटवे ऑफ इंडिया, ये हमारे फैमिली बस हम एक उल्टी दिशा में चल गए थे। एक्चुअली उनका एंट्रेंस गेटवे ऑफ इंडिया का जहाँ से टिकट्स अवेलेबल है हम उल्टे चल पड़े थे, लेकिन हम नज़ारे लेते लेते मस्ती में हम टिकट्स ले लिया और हमको हमने एसी टिकट्स लिए। और अभी गेटवे ऑफ इंडिया पे भीड़ देखिए, कितनी सारी भीड़ है संडे के दिन भी, क्योंकि क्या है ये मुंबई नगर या सबको पसंद है और सब अपने अपने तरीके से घूमने के लिए संडे एकदम फ्री रहते हैं। तो सब निकल आई है पब्लिक, चाहे वो पॉश एरिया से हो या लो इनकम ग्रुप से हो, लेकिन सभी को गेटवे ऑफ इंडिया तो पसंद आ ही जाता है। तो हमने इधर टिकट्स लेके, क्योंकि समय था हमारे पास तो हम थोड़ा टाइम पास करने लगे और आगे पीछे का थोड़ा फोटोग्राफी और पोर्ट्रेट्स लेने लगे। तो मज़ा आ रहा है, आप भी मज़ा देखो। ये भी हमने थोड़े फोर्स शॉट्स लिए थे तो हमको अच्छे लगे, इसलिए मैंने पोस्ट किया है। और
और ये देखिए, ये मैंने इनिशियल टैगलाइन में भी दिया था, पीछे शिप आई तो बच्ची डॉटर ने बता दिया कि नहीं नहीं पापा ले लो, फोटोग्राफ ले लो, मज़ा आएगा, एकदम फर्स्ट क्लास पोर्ट्रेट्स ले लिया हमने। और ये देखो काफ़ी सुंदर, पीछे होटल है वो, आई डोंट रिमेम्बर द होटल, लेकिन वो क्लब है एक्चुअली, बोट क्लब या ऐसा कुछ बोलते हैं आई थिंक। हाँ तो ये हमारी स्टीमर आ चुकी है, लॉन्च क्या बोलते हैं आई डोंट नो, लेकिन बस इसी में हमें जाना है। यस, यही हमारी लॉन्च है, और इसमें एसी कंपार्टमेंट भी है और अपर डेक लोअर डेक, एसी का लोअर डेक है और अपर डेक में भी एसी है। सो चार्जेस आर लाइक एसी का 275 केबिन्स का है, उधर मेरे ख्याल से एक साथ में करीब 50 सीट्स होगी, नीचे भी वैसा ही है 50 सीट्स के करीब होगा, और ओपन जो है वो अपर में 215 रुपीज़ है टिकट, और मेरे ख्याल से लोअर में कुछ 150 या 125, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मैं ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ तो मैं परफेक्ट रेट्स भूल गया हूँ, लेकिन टू बी प्रिसाइज हमने जो टिकट दिया था वो 275 का था। तो बस हमारी बोट चल पड़ी है टुवर्ड्स मांडवा, और ये देखो नज़ारे काफ़ी सुंदर दिख रहा है, ताजमहल और ताजमहल होटल, नया और पुराना, मैडम देखो फोटोग्राफी में ही सब है, बस चलते जा रहे फोटोग्राफी करते हैं, और ये बाहर का जो ज़बरदस्त नज़ारा था और मांडवा बीच भी उधर से दिखने लगा था, उधर से वैसे वर्सोवा जेटी भी दिखती है, देन उरन भी दिखता है, उरन पोर्ट GNPT बोलते हैं कुछ, तो वहाँ से बोट से ये भी नज़ारा था, और बीच बीच में छोटे छोटे अपना ये जो ऑयल मेकिंग कंपनीज है उनके भी प्लांट्स है, वो भी बीच बीच में आते हैं और दिखते हैं, अच्छा लगता है। और ये हमारा मांडवा जेटी आ गया, क्या ब्यूटीफुल है, वेरी ब्यूटीफुल मांडवा जेटी, ज़बरदस्त है, देखो क्या ज़बरदस्त बनाया है, और उन्होंने एकदम नीट क्लीन है, हमने इधर थोड़े से स्नैप्स वगैरह लिए, और पोर्ट पे ज़्यादा ले नहीं सकते हैं इसलिए हमने ज़्यादा शूट भी नहीं, ये मुझे पीछे सनी दियोल जैसा दिख रहे थे भाई साहब, हाँ आप कमेंट करो सनी दियोल है या और कोई है। तो हमने ये देखो, ये अभी हम जेटी का, अभी जेटी लंबी है, हो सकता है वो 500 मीटर तक का उसका चलना होगा बाहर तक आने के लिए, और जेटी में आपको एक एडिशनल एमिनिटीज़ भी है, जो एज पर्सन्स रहेंगे या इलेक्ट्रिक व्हीकल घूमते रहते हैं, मतलब किसी को चलने का तकलीफ़ हो या सीनियर सिटीजन्स हो तो बेनिफिट ज़रूर ले सकते हैं, और हम तो चलते चलते ही मज़ा लेके जा रहे थे, और हमारा वॉक भी कम हुआ था तो हम वॉक भी लेते लेते यूं ही टहलते टहलते बाहर तक गए, और देखो ये नज़ारा, ये ओल्ड जेटी है, अभी हम जा रहे हैं वो नए जेटी है, बरसों पहले ये जेटी पे मैंने विज़िट किया था और मज़ा आया था, हम तभी ओवर क्राफ्ट में आए थे, जू बीच से आए थे, वो एक अलग स्टोरी था, अभी तो मेरे ख्याल से ओवर क्राफ्ट बंद हो गए हैं, तो वो टाइम पे कोई बिल्डर का था जिसने लिया था तो हमको वो चांस मिल गया था देखने के लिए और मज़ा मारने के लिए। तो ये है मांडवा बीच, मांडवा में कार्स वगैरह भी लेके फेरी सर्विस से आ सकते हैं, वो भी एक प्रावधान है, लेकिन हमने तो बस ये सिस्टम जो पब्लिक सर्विसेज है वही यूज़ किया है, ये उनका वो स्टेशन है, कार स्टेशन जिधर से वो फेरी सर्विसेज करते हैं, ये उनका ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट्स अलग 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 काफ़ी है इधर, और बस हमने इसका मज़ा लेते लेते हम एक एक चीज़ देखते रहे और एक एक रेस्टोरेंट्स क्या है क्या नहीं एक्सप्लोर करते रहे, और ये हम वैसे ही चलते चलते नॉन वेजिटेरियंस का डेफिनेटली शोर है, शीशोर है, और उसका जेट्टी है तो नॉन वेजिटेरियंस के लिए तो अच्छा ही है, वी आर वेजिटेरियंस, सो हमने हमारे हिसाब से बहुत एंजॉय किया,
बस इधर से फोटोग्राफी करते रहे, सब कुछ देखते रहे, अनुभव किया। इधर क्रॉक्स और वगैरह, ये देखो ये ब्रॉडवे फ्लैम्बॉयंट है, फर्स्ट क्लास होटल है, वेरी गुड एम्बियंस। और वो एम्बियंस के मज़ा लेते हुए हमने उधर लंच भी लिया, और लंच के बाद हम टहलने निकल गए बीच के ऊपर। सुपर बीच है, लेकिन इधर का जो बीच है उस दिन तो बिल्कुल खाली था। ऐसा लगता है कि सिर्फ हम चार ही थे, तो कोई रश भी नहीं था। और ये इधर का जो रेती है वो काफ़ी ब्लैकिश है, और जैसे गुजरात साइड जाते हैं अपन तो उधर का भी जो सी सैंड्स वगैरह रहते हैं वैसे वो थोड़ा ब्लैकिश रहता है ना, रेती जैसा है, जो कंस्ट्रक्शन पर्पज़ में भी हो सकता है यूज़ ही। और ये हमारे जवाई बाबू है, विशाल बाबू, स्मार्ट हैंडसम डॉक्टर विशाल। और ये देखिए हम सिजलर की मज़ा भी ले रहे हैं। हाँ, उधर सिजलर्स की भी प्रावधान है भाई, सिजलर्स की भी मज़ा ले सकते हो। वेरी नाइस एम्बियंट होटल है, और उसमें सिजलर्स भी आप एक चांस ले सकते हो, सिजलर्स अगर आपको पसंद है तो। बस यूं ही हम घूमते रहे, और फिर थोड़ा सा योगा करने का दिल हो गया, और योगा करते करते हमने थोड़ा डांस भी कर लिया। देखिए हम एक पैर पे बिल्कुल आसन फरमा रहे, देखो ये उम्र में भी हमारे में जवानी फूट चुकी थी, डेफिनेटली। ये देखिए यस दैट्स फाइन। तो हमने इसी तरह खूब मजा की, और हमारा दिन बर्थडे दिन था, यस हमारा बर्थडे सेलिब्रेशन था ये। तो दिवाली के दिनों में, दशहरे के दिनों में, मतलब नवरात्रि के बाद का जो दिन रहता है तो एंजॉय करना ही है, क्योंकि ये टाइम दशहरा और मेरी बर्थडे ऑलमोस्ट सेम ही रही थी। और इधर से शाम को हम जाते वक्त नज़ारा ले रहे थे, बोट का टाइम हुआ नहीं था, इसलिए हम इधर ही किनारे पे बैठ के एंजॉय कर रहे थे चिड़ियों की और बाकी पक्षियों जो भी थे उनकी आवाज़ सुन के हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। आपको तो मैं नहीं सुना पाऊँगा, लेकिन ये नज़ारे देखो, कितनी सारी प्राइवेट बोट्स थी, और अभी हमने लॉन्च में हम बैठ चुके हैं और बस टूवर्ड्स गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ जा रहे हैं। तो दूर से मुंबई की हाईलाइट्स, मतलब लाइन जो है हाईलाइन है, तो कितनी ब्यूटीफुल शोर लाइन दिख रही है, अमेजिंग। और ये हमारी बोट के करीब एक बोट थी, तो 7 बजे जनरली उसका लास्ट बोट है, तो ये दोनों बोट साथ में हो गई थी। और हम बस देखो दूर से नज़ारे ले रहे, एक तो रोशनी दिवाली की वजह से इतनी सुपर थी, और हम ये ताजमहल होटल के करीब सुबह का जैसा था वैसा शाम का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। बस हम हमारे ट्रेन में वापस रिटर्न हो रहे हैं, और ये हम चर्च गेट टू अंधेरी का ट्रेन पकड़ लिया है, और ये हमारी यादें हम छोड़ के जा रहे हैं। ये उधर का सनसेट है, और देखो कितना लाजवाब सनसेट है। बस यूं ही आपने ये पूरा वीडियो देखा, थैंक यू वेरी मच। और ड्रीम जर्नी व्लॉग्स को आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो आप इसे ज़रूर देखिए, लाइक करें, शेयर करें।